वेलकम बैक टू टी एन के ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत सही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज डेली रूटीन ख़त्म करके थोड़ी सिलाई का काम किया। चलो अब करेंगे सिलाई। मेरे कुछ प्लाजो हैं रेडीमेड, कुछ एक अद्दी ड्रेस है, जैसे ये मेरा कमीज है, ये ढीला हो गया है। मुझे नहीं पता कैसे ढीला हो गया, पता नहीं टेलर ने ढीला सिला या सच में ढीला हो गया। तो थोड़ी थोड़ी इनको सिलाई लगानी है। मुझे ज़्यादा सिलाई नहीं आती है सिलाई वगैरह, बट ये है कि हाँ काम चला लेती हूँ मैं, कि जहाँ पे भी थोड़ा बहुत उधड़ा वगैरह हो या कटा फटा हो तो मैं उसको सिल लेती हूँ। सिंपल इज दैट। और इतना आना भी चाहिए यार, कब कहाँ क्या इमरजेंसी पड़ जाए तो। मम्मी की बातें याद आ जाती है। मम्मी बोलती थी इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तुम्हें आना चाहिए, ये कहीं पर भी किसी भी तरह की इमरजेंसी पड़ जाए तो तुम कर सको। तो मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर अभी आपको हेल्प मिलती है किसी से तो आप हेल्प ले लो। और अगर कहीं ऐसी जगह हो, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हेल्पर या नहीं मिलते हैं तो आपको खुद करना पड़ता है, तो आपको आना चाहिए ये चीज़ें। बस इतनी सी बात है। बाकी मैं अब कर लगी हूँ सिलाई लगाने। ये सिलाई किन चीज़ों पर लग रही है? ये सिलाई लग रही है जो मेरे रेडीमेड प्लाजो आए थे और एक दो ड्रेसेस आई थी कुर्तीज टाइप। वो क्या होती हैं, वो कच्ची सिलाइयाँ होती हैं उनकी, बस उनको पक्का करना है। और एक मेरा सूट का शर्ट है जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि लूज़ हो गया है, बस उसको अंदर की तरफ थोड़ी सी सिलाई लगानी है, बस और कुछ नहीं है। चलो जी, धागा मैंने डाल लिया। धागा ध्यान मत देना कुछ भी डाला मैंने कलर, क्योंकि अंदर की तरफ रहनी है सिलाई। वैसे तो वाइट भी चलता है, ठीक है। मेरा कॉटन के प्लाजो ज़्यादा अच्छे हैं यार, बहुत गर्मी है, सऊदी में भी बहुत गर्मी है, पसीनो पसीन हो जाता है बंदा, इसलिए। इसलिए मैं सिलाई लगा रही हूँ जी। मेरी दादी भी बहुत अच्छे सिलाई करती थी। मेरे डैडी भी खुद कर लेते थे अपना काम में, इन चीज़ों को हल्का फुल्का कर रहा, कहते थे कि आना चाहिए सबको। उनको देख देख के सीख लिया, कुछ स्पेशल नहीं सीखा मैंने कि मैंने कुछ क्लास ज्वाइन की हो या कुछ ऐसे नहीं। आज बनी है हरी मूंगी की दाल, नाक मुंह चढ़ा के खा लेंगे। देसी घी का तड़का लगा दिया है और दाल खाने से पहले एक चम्मच देसी घी डाल भी लेंगे। और बहुत हाई डिमांड पे आया था आटे का हलवा बना के दिखाइए, जिसे हमारे पंजाबियों में सरदारों में कहा जाता है कड़ा प्रसाद। तो ये मैं वो बना रही थी उनके लिए वीडियो, मेरी एक फ्रेंड है उनके लिए स्पेशली। ये मैंने लिया पहले देसी घी, और मैं मतलब आप अपनी क्वांटिटी और अपने मेंबर्स के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। हम दो जने या दो बच्चे हैं तो उस हिसाब से हाफ से थोड़ा ऊपर बाउल कटोरी का बहुत है, जो आपने अभी देखा है। घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। ये अभी देखो वाइट वाइट है ना, ये कच्चा है आटा, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने देंगे।
जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो, और इसको चलाते रहना है साथ के साथ, नहीं तो नीचे भी लग जाता है यार। तो जब गोल्डन ब्राउन हो जाता है ना, तब तक इसको बीच बीच में हिलाते रहें कढ़ाई को, क्योंकि नहीं तो नीचे लग जाएगा आटा। फिर उसके बाद जब जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाता है ना यार, तो साथ में चीनी और वो क्या कहते हैं पानी डाल देना है, क्योंकि वो उसका जो वो है साथ में डलता है वो। कई लोग चाशनी बना के भी डालते हैं, बट मुझे हमें शुरू से यही बनाया था, मुझे ये इजी लगता है। चीनी की जो क्वांटिटी है वो ऐसे है, पहले तो कहते थे अगर एक कटोरी आटा है, एक कटोरी घी है, तो मतलब दो कटोरी मतलब चीनी डालो। बट आजकल चीनी इतना कोई शुगर खा के नहीं राजी, ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हल्का कम ही रखते हैं, क्योंकि जैसे मैं सेम प्रोपोर्शन रखती हूँ, सेम आटा, सेम घी और सेम वो चीनी। और कई लोग तो और भी कम चीनी खाते हैं, तो वो अपने हिसाब से स्वाद के हिसाब से और कम भी रख सकते हैं। वैसे थोड़ा मीठा हलवा अच्छा लगता है। ये देखो मैंने मिक्स कर दिया पानी भी और वो भी, और उसको साथ के साथ हिलाना है, नहीं तो उसमें लम्स बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं। फटाफट फटाफट उसको ना मिक्स कर दो, और नहीं तो क्या होता है उसमें गांठें बन जाती हैं, फिर बाद में नहीं हट, मतलब आप सोचो कि हम उसको बाद में ठीक कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। इसको इतने अच्छे से मिक्स करो, और सबसे अच्छा इसका यही चेक करने का तरीका है कि हमारा हलवा अच्छे से बन गया है, कि वो बिल्कुल भी कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। ये देखो एकदम मिक्स होके एकदम इकट्ठा हो गया, और लग भी नहीं रहा कि कढ़ाई में कुछ बना है, ये सबसे इसका गुड साइन है। और एक खाने पे जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि गले में ना कईयों को घुट के निकलता है, मतलब लग के निकलता है, वो नहीं होना चाहिए, एक स्मूथनेस होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया था एक बाउल में, और बाकी हम अभी खा लेंगे लंच में, थोड़ा सा इनके पापा ऑफिस से आके खा लेंगे। होप सो आपको अच्छा ही लगा हो मेरी ये रेसिपी। सब जने अपने घर में बना के खाओ, कमेंट जरूर करना। बाद में जी ये बच्चों ने अपनी कलाबाजियां शुरू कर दी थी, छोटू जो है मेरा रमन, नमन को देख के सारी कॉपी करता है भाई, ये तो बात सच है। छोटा बच्चा बड़े बच्चे को देख के पूरी चीजें कॉपी करता है। मैं इसको इधर ये कह रही थी आप अपने हाथ दोनों एक लेवल पे ही रखो, देखो कितना अच्छा कर लिया। बस उसने नमन को एक बार देखा और उसके बाद करने लग गया, नमन उसके लिए क्लैप कर रहा है। चिटकू मेरा बहुत शतानू बच्चू है, नमन भी कर लेता है, नमन तो काफी टाइम से ये कर लेता है। छुट्टियां घर में क्या करें, यही सब करेंगे, मोबाइल और टीवी ज्यादा मैं दिखाने नहीं देती, तो फिर क्या, और पढ़ना भी नहीं चाहते ज्यादा, थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं पर ज्यादा नहीं, तो फिर ये सब टास्क देने पड़ते हैं इनको एंगेज रखने के लिए, ऐसे करो वैसे करो, बट ये खुश हैं। और अब आप मेरे लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ठीक है। और आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कड़ा प्रसाद की रेसिपी शेयर की है मैंने। थैंक यू।